हेलो व्यूअर्स, हड़प्पा काल की सबसे बड़ी और पुरानी साइट मिली है राखीगढ़ी हिसार में। यह स्थित है नारनौंद हिसार में। हड़प्पा कालीन सभ्यता को लेकर राखीगढ़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुकी है। खुदाई में मिले नर कंकाल, इनका डीएनए रिपोर्ट कहता है कि यह गांव कुछ न कुछ सभ्यता का, कुछ प्राचीन सभ्यता का एक स्थान जरूर रहा है। 1997 में इस सभ्यता का पता चला और इन टीलों पर खुदाई शुरू की गई तो लोग चौंक गए, इतना चौंक गए कि रहस्य पर रहस्य सामने आते गए और खुदाई चलती रही। सरकार ने इन रहस्यों को जान करके इस गांव को राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना का मन बनाया। गांव राखीगढ़ी में हड़प्पा काल की सबसे बड़ी और पुरानी सभ्यता मिली है, जो कि 550 हेक्टेयर में फैली हुई है। ज्ञातव्य है कि इससे पहले 200 हेक्टेयर की ही सभ्यताएं मिली हैं। इस साइट पर केवल 9 टीले हैं, जिनमें से 3 टीलों की खुदाई हो चुकी है। खुदाई के दौरान मकान, सोने के मनके, मिट्टी की चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन, पत्थर के मनके मिले हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि तत्कालीन स्त्रियाँ और पुरुष भी गहनों के शौकीन थे। इसके अलावा अन्य काफ़ी रोचक चीज़ें भी यहाँ से मिली हैं। सन 2015 में टीले नंबर 7 पर खुदाई हुई और इस खुदाई में अत्यधिक चौंकाने वाला एक तथ्य सामने आया, जब यहाँ पर मानव नर कंकाल मिले। नर कंकालों के साथ साथ प्रतीकात्मक कंकाल भी मिले हैं। प्रतीकात्मक कंकाल क्या हैं, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताती हूँ। पहले बात करते हैं, अब सरकार ने राखीगढ़ी में 25 करोड़ रुपए की लागत से एक म्यूजियम का निर्माण करने की योजना बनाई है, जो लगभग पूरा होकर के तैयार है। भारत सरकार भी इस गांव को राष्ट्रीय पर्यटक स्थल की श्रेणी में लाने की योजना पर काम कर रही है। जैसे ही यहां पर म्यूजियम बनकर तैयार हो जाएगा तो उम्मीद है कि इससे देश विदेश के सैलानी यहां पहुंचेंगे, इससे लोगों को अधिक रोजगार प्राप्त होंगे। इन खुदाइयों में जो मिला है उससे यह स्पष्ट है कि खेती आर्यों का मुख्य धंधा था और आर्य लोग पशु भी पालते हैं। कंकालों की डीएनए रिपोर्ट से यह पता लगता है कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे। कुछ ऐसे ही मामले खुदाई के दौरान और भी मिले हैं। पहले भी लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था और वो पशु भी पालते थे। क्यों? क्योंकि खुदाई के दौरान पशुओं के कंकाल भी मिले हैं। एक कंकाल हाथी के सिर का भी मिला है। जो व्यक्ति प्रतीकात्मक कंकाल क्या है ये हम पहले बात कर रहे थे। जो व्यक्ति अपने घर से कहीं चला जाता था और पहले आजीविका के साधन हर कहीं उपलब्ध नहीं होते थे, तो व्यक्ति जो होते थे घर के मुखिया होते थे, वो कमाने खाने के उद्देश्य से अपने घर से बाहर चले जाते थे और किसी कारणवश डर और आतंक बहुत था, चोर डाकू बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वो महीनों तक अपने घर लौट करके नहीं आते थे। तो उसके परिवार के सदस्य उसको मरा हुआ मान लेते थे। एक नियत समय पर यदि वो बंदा लौट करके नहीं आता था तो उसके परिवार के लोग उसे मरी हुई आत्मा समझ करके उसके सारे रीति रिवाज जो थे अंतिम संस्कार करने के, एक प्रतीकात्मक नर कंकाल के द्वारा करते थे। प्रतीक बनाया जाता था कंकाल का और संस्कार के समय में बर्तनों में खाने पीने की अनेक चीज़ें रखते थे और वो ये मानते थे कि इससे उस व्यक्ति की आत्मा नहीं भटकेगी और आने वाले जीवन में भी उसे खाने की चीज़ें मिलती रहेंगी। ये जो घाटी सभ्यता है, ये सभ्यता जो है वो मृतकों के सिर उत्तर दिशा में ही दफनाते थे, यानी इन्हें दिशा का पूरा ज्ञान था।
अफगानिस्तान तक करते थे ये लोग व्यापार। एक खास बात जो है इस सभ्यता की कि ये लोग भारत से, आप आइडिया लगाइए कि अफगानिस्तान तक व्यापार करते थे। खुदाई के दौरान मोहरें भी मिली हैं और प्रत्येक मोहर पर शेर का निशान बना हुआ है। इससे साबित होता है कि वह मोहरों का इस्तेमाल व्यापार के लिए करते थे। पुरातत्व विशेषज्ञ मानते हैं कि इन लोगों का धंधा बर्तनों पर चित्रकारी करके दूसरे राज्यों और दूसरे देशों से व्यापार करना भी था। खुदाई के दौरान जो पत्थर मिले हैं वह आजकल राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके अलावा नीले मन के अफगानिस्तान में पाए जाते हैं और लाल मन के गुजरात में पाए जाते हैं। इसके अलावा गुजराती समुद्र तट पर जो लाल मन के पाए जाते हैं वह भी मिले हैं। वहीं चर्ट पत्थर पाकिस्तान में पाया जाता है और यहाँ खुदाई में मिला है। इसका यह स्पष्ट मतलब लगा सकते हैं कि इनका पाकिस्तान और अफगानिस्तान से संबंध था, क्योंकि नीले मनकों का पाया जाना ये साबित करता है कि वहाँ से ये मनके इंपोर्ट करके लाए जाते रहे होंगे। मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते थे हड़प्पा काल के लोग। राखीगढ़ी में खुदाई के दौरान खाना खाने और बनाने के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। इनमें मिट्टी की कटोरी, मिट्टी की थाली, थाल, प्लेट, परात, हांडी, घड़ा सब प्राप्त हुए हैं। इन बर्तनों में विशेष प्रकार की कलाकृतियों से इनको सजाया गया है और संवारा गया है। उस समय के लोग ज़्यादातर मिट्टी के बर्तनों का ही प्रयोग करते थे, क्योंकि स्टील, तांबा और पीतल तब उपलब्ध नहीं था। श्रृंगार के लिए मिट्टी की चूड़ियाँ, मिट्टी के मनके, लाल मनके, सफ़ेद मनके और शंख की बनी हुई चूड़ियाँ मिली हैं। सफ़ेद मिट्टी के मनके इत्यादि को इस्तेमाल किया जाता था। आभूषणों से इन लोगों को विशेष प्यार था। बैलगाड़ी इनके आने जाने के लिए यानी आवागमन का साधन था। हड़प्पाकालीन सभ्यता के लोग सवारी के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। खुदाई के दौरान अनेक पशुओं के खिलौने निकले हैं। मुख्य रूप से बैल और कुत्तों की काफ़ी आकृतियां मिली हैं। कुत्ते का जो खिलौना मिला है उसके गले में पट्टा बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे ये पता चलता है कि उस समय पर कुत्ते जो होते हैं वो पालतू पशु के रूप में होते थे, यानी लोग पशुओं को पालना भी शुरू कर चुके थे। कुत्तों को रक्षा के लिए पाला जाता होगा और सवारियों के लिए वो बैलगाड़ी यानी बैल को पालते थे। और बैलों का प्रयोग अन्य कामों में भी किया जाता था, बोझा ढोने में, खेती करने में, आवागमन के साधनों के रूप में ये लोग बैलों का प्रयोग करते थे। एशिया में अभी तक ऐसी 2500 से ज़्यादा पुरातत्व साइटें मिल चुकी हैं। अगर देखा जाए तो पूरे एशिया में अभी तक इतनी सारी साइट्स मिल चुकी हैं। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी तक सबसे ज़्यादा जगह पर खुदाई हुई है। खुदाई के दौरान पाकिस्तान में 150 से 200 हेक्टेयर का स्थान मिला था, लेकिन राखीगढ़ी तो सबसे बड़ी है जिसमें 550 हेक्टेयर में यह फैली हुई है।